इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको अमल बताने जा रही हूँ, अमल, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अमल में कामयाबी क्यों नहीं होती और इसकी क्या वजूहात हैं, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अमल के ज़रिए हम यकसोई कैसे हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा कि अगर हमारे सामने कोई हमारे सामने आ जाए या हमारे सामने बैठ जाए तो हम इसके तमाम राज को कैसे मालूम कर सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा नायाब तरीका और अमल बताऊंगी कि इससे ये अमल ही आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है अगर आप ये अमल करते हो तो। यकीन माने कि जिस चीज को ये अमल दिया है कामयाब तो हुए हैं और ऐसे ऐसे उनको अल्लाह की रहमतों से नवाजा गया, अल्लाह की रहमतें उनको मिली कि आज बहुत बड़े बड़े जो है लोगों में उनका शुमार है। फजर की अजान से कबल यानी जैसे ही सुबह सादिक शुरू हो बिस्तर से उठे, नमाज अदा करने से पहले अपने ज़रूरी काम से फारिग होकर वजू करके नमाज अदा करें। वजू करके नमाज अदा करने के बाद खामोशी से जाए नमाज पर मसल्ले पर बैठ जाए। मसल्ले पर बैठ जाने के बाद आपने जोर से, जैसे जोर से आप सांस लेते हो, सांस लेकर उसको रोक लीजिए यानी दूसरा सांस अदा ना होने दीजिए। जोर से सांस लें जैसे ऐसे और रोक लीजिए और दिल की धड़कन की तरफ ध्यान दीजिए कि वो अल्लाह अल्लाह कह रही है। एक लंबा सांस लो और उसको पूरा रोक लो, सांस को बाहर निकलने ना दो और गौर से सुनो कि तुम्हारे दिल की धड़कन की आवाज धक धक की जगह अल्लाह अल्लाह कह रही है। जब वो आपके दिल की धड़कन अल्लाह अल्लाह कह रही होगी, जब भी आपका सांस टूटने लगे, यानी इतना लंबा सांस आप नहीं रोक सकते, तो जैसे ही आपका सांस टूट जाए तो तीन से चार सांस ऊपर नीचे लो, लेकिन आपने सांस इस तरीके से लेना है और गौर करना है कि जब आप ऊपर का सांस लेते हो, ठीक है, तो अल्लाह निकलता है, और जब आप नीचे को सांस, मतलब कि नीचे वाला सांस लेते हो, जैसे आप सांस लिया और फिर उसको छोड़ा, तो फिर इल्लाह की आवाज आई। और ये आवाज एकदम से नहीं आएगी, आप तीन दिन ये अमल दोहराएं। ये एक ऐसा अमल है जो आपको रूहानी ताकतों से, रूहानी कुवतों से भी बढ़कर अमल इसको पाया गया है। आप एक दफा ये मेरी जो है अपनी बहन समझकर ये अमल करें तो यकीन माने सारी जिंदगी आप इस अमल को लेकर चले। मुकलात, परी, ये चीजें क्या है? आप आंखें बंद करके बस कहेंगे कि मुझे अल्लाह की रहमत से मेरे पास मोकल आना जाना शुरू हो जाए, परिये आना जाना शुरू हो जाए, कि परिये क्या है? यकीन माने मैं अपने रब के इस कलाम की वजह से इतने फख्र से जो है इत्माद से कह सकती हूँ कि आपको वो भी नजर आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन तरीका जो बताया जा रहा है बिल्कुल वही इख्तियार करें। जब अल्लाह की आवाज आपको साफ सुनाई दे, जब आप सांस लें अल्लाह की आवाज सुनाई दे और जब आप सांस छोड़े तो इल्लाह की आवाज आपको साफ सुनाई दे, फिर एक दम सांस रोक लें और दिल की धड़कन को सुने जब वो अल्लाह 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 कह रही हो धक धक की जगह, ये तीन दिन करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने करना, कितनी देर है? सिर्फ 15 मिनट तक करना है, 15 मिनट नमाज के बाद 15 मिनट तक करना है। कोशिश करें बिल्कुल अंधेरा हो, शोर ना हो, क्योंकि सब सो रहे होते हैं उस वक्त, शोर भी नहीं होता।
और पूरे टाइम पे नमाज के लिए उठें। नंबर दो, आपने एक और काम करना है, अगर आपको लगता है कि घर में शोर है या कहीं खट खट इस तरह की आवाज़ें या दिल बेचैन है कि हमें मुकम्मल यकसोई नहीं महसूस हो रही, तो आपने जो रुई वाला मैंने तरीका, काली मिर्चों की रुई जो बनाकर कानों में रखने वाला तरीका आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, वो आपने रख लेना है, तो वो भी बहुत नायाब है। यहाँ तक कि जब आप 5 मिनट 3 दिन 15 मिनट तक आप करोगे, तो फिर उसके अंदर 5-5 मिनट ऐड करना शुरू कर देना, यानी कि हर रोज 5 मिनट को आप बढ़ा दें। आप रोजाना 5 मिनट को बढ़ाते जाएं, यहाँ तक कि कम से कम 1 घंटा रोजाना ये अमल फजर के बाद आप शुरू कर लें। तो यकीन माने और एक वादा कर लीजिए कि जब तक आप जिंदा रहोगे ये अमल तर्क नहीं करोगे। जो ये अमल करे वो पहले बता दे और वादा करे कि ये अमल तर्क कभी नहीं करेंगे। जो भी सुन रहा है, अगर अमल पसंद आता है तो वादा ले, इजाजत ले, वादा ले तो ये अमल करे। अमल करने से ना सिर्फ आपको हर अमल में कामयाबी, इसके बाद कोई भी आप अमल कर सकते हो, उसमें हर अमल में आपको कामयाबी भी महसूस होगी, यकसोई भी आपको महसूस होगी, यकसोई जितनी भी आप चाहें जो है अमल में असर भी आपको हासिल होगा। बल्कि जब ये ऐसा अमल है, जब भी कोई जरूरतमंद आपके सामने आएगा, आकर आपके सामने बैठेगा, जैसा कि आमिलीन होते हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, तो औलिया इकराम होते हैं, ठीक है, ये उनका अमल है और बहुत नायाब अमल है। और जैसे ही वो सामने आकर बैठते हैं, कोई भी शख्स जरूरतमंद परेशान हाल तकलीफ में, यकीन माने आप यही तरीका इख्तियार करें, अपने उसके जो है सामने बिठाकर आंखें बंद करके सांस रोक लें, अपने दिल की तरफ गौर करें, जैसे अल्लाह अल्लाह की आवाज की तरफ गौर करते थे, तो आपके दिल की तरफ जैसे ही गौर करेंगे, वो आपका दिल, आपका कल्ब की तवज्जा जो होगी दूसरों के दिल पर डालेगा, और जो इस मकसद के लिए वो शख्स या कोई बहन या कोई भाई हाजिर होगा, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसके तमाम दिल का हाल आपको 100% मिल जाएगा, 100% दुरुस्त आपको और सही आपको मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। ये एक अमल ऐसा नायाब तोहफा है आप लोगों के लिए, तो मेरी बहुत खुशी थी कि मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से कि जिसको भी बताया है बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ है, आप भी करें। मुझे लगा कि इसको लाइव अपने बहन भाइयों के साथ जो शौक़ रखते हैं उनके साथ शेयर किया जाए, ताकि वो भी इससे फैज़याब हों। छोटा सा अमल है, करके देखिएगा, फिर जो अमल करेंगे इंशाल्लाह कामयाब होगा, क्योंकि इस अमल से ही यकसोई स्टार्ट होती है। जब आप अमल करते हो, इस अमल से ही आपकी यकसोई शुरू हो जाएगी, आपको अमल का तरीका भी समझ आ जाएगा कि अल्लाह से तल्लक कैसे कायम किया जाता है। तो यकीन माने जब आप अमल कोई भी करो तो अल्लाह 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 आपके दिल से निकलता रहेगा। और अगर मेरा ये अमल आपको पसंद आता है तो इजाज़त ज़रूर लें, ताकि मुझे पता हो कि किस किस भाई ने बहुत खुशी से इस अमल को करने के लिए इजाज़त ली है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। इसी के साथ बहुत प्यारे और नायाब अमल आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूँगी, जिससे मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप अमलियात की दुनिया में सब लोग कामयाब हो। अपने मसले, अपने बहन भाइयों के मसले खुद हल करो, ना कि किसी जालम जो है आमिलीन के हाथों में जाके, या कि अपनी जिंदगियों को बर्बाद ना करो। ईमान तो आपका बर्बाद होता है, या ईमान से तो आप फारिग होते ही हैं गलत तरीकों के इस्तेमाल से, ठीक है, और अल्लाह पाक को भी आप फिर नाराज कर देते हो जो गलत लोगों के पास जाके, गलत लोगों के हाथ में आके। और बहनें तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लेती हैं, इसलिए ये चैनल बहनों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि वो बाहर ना जाएं, मेरे इन अमलियात को देखकर कोई भी अमल करें इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगी। और तवक्कल रब अपना मजबूत रखें, जो करना है ये सोचें अल्लाह की ज़ात ने करना है, बंदा कुछ भी नहीं, मैं भी कुछ भी नहीं,
ठीक है, अल्लाह की जात, अल्लाह की रहमत से ही होना है। जितना आपका प्यार अपने रब से होगा उतना ज्यादा ही कामयाबी आपको हासिल होगी। बहुत प्यारा अमल है, जरूर कीजिएगा, और जिस जिसने करना है जरूर बताइएगा, ठीक है। इजाजत दें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरी कोई वीडियो या कोई बात या कोई ऐसी चीज पसंद नहीं आती तो उसके लिए माफी आपसे पहले चाहती हूँ कि मैं भी गुनाहगार हूँ, ठीक है, तो मुझे भी माफ कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर अमलियात में कामयाबी होती है, किसी अमल में कामयाबी होती है, तो उसको लाइव ना बताएं, अमल ख़त्म हो जाता है। उसको मेरे ईमेल पे आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, हजार लोगों की ईमेल आती है, आप लोग भी करें ताकि आपको जवाब दिया जाए। मैं अक्सर कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल जवाब कम देती हूँ जो हमें मुनासिब लगता है, तो ईमेल पे मैं लाजमन लोगों को जवाब दे देती हूँ ताकि वो परेशान ना हो। इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हर आमिल के लिए जरूरी है कि वो हमजात, मुकलात और जिन्नात और हाजरात के और परियों के और फरिश्तों के अमल करने से कबल अपने अंदर रूहानी कुव्वतों को पैदा करे, और इससे आमिल के अंदर ज़बरदस्त किस्म की रूहानियत और रूहानी कुव्वतें पैदा हो जाती हैं, और हाजरात और हमजात, मोकलात, जिन्नात और परियों वगैरह के अमलियात में या अमल में इंशाल्लाह कामयाबी उनको मिलती है और वो कामयाबी से हमकिनार होते हैं, और कभी भी नाकामी नहीं होती। और जो लोग इनका यानी रूहानी कुव्वतों को बढ़ाने का, रूहानी आँख का और बातनी आँख का चिल्ला नहीं करते, तो वो ही लोग हैं जो कामयाब नहीं होते अमलियात की दुनिया में। तो आपसे गुजारिश की जाती है कि जो हम शरायत और अमल में तरीका आपको बताते हैं वो तरीका आप इख्तियार करें, तो आपके लिए बहुत नायाब है। और अगर एक चिल्ले में आपको रूहानी कुव्वत अपने अंदर महसूस होती है और रूहानियत जाहिर होना शुरू हो जाती है, तो यकीन माने आप अमलियात की दुनिया में कामयाब होंगे। नंबर दो, रूहानी कुव्वतों को बुलंद करने के लिए आज मैं जैसे कि पहले भी कहा था कि मैं जो अमल आपको बताऊं और जो तरीका और शरायत बताऊं वो आप लाजिम करें। शरायत नंबर एक, जगह बिल्कुल पाक साफ हो, आप भी पाक साफ हो, गुसल आपने किया हो, जनाबत से आपने परहेज किया हो, यानी गंदगी से आप दूर हो। नंबर दो, आप जब भी रूहानी कुव्वतों को महसूस करें या अपनी आंखों को बंद करें, उससे पहले एक तरीका इख्तियार करें। तरीका वो ये है कि जब भी आप मराकबा रूहानी कुव्वतों को यानी रूहानी आंख, बातनी आंख और तीसरी आंख का अमल जो आपको बताया जाए करना शुरू करें, तो उससे पहले रुई के दो फूले, स्पंज, दो फवे लेकर पानी में हल्का सा डिबो लें, यानी पानी में उनको भिगो लें, पानी छिड़का लें, और पानी निचोड़ कर बहुत मामूली सा काली मिर्चों का पाउडर उस फफोलों पर आप लगा लें और उनको मसल कर कानों में रख लें। ये आपके लिए रूहानियत को उजागर करने के लिए एक नायाब तोहफा है, अगर कहें तो नेमत और रहमत है। दोनों कानों में जब आप रख लो तो ये आपको थोड़ी सी गर्मी, जलन और दुनियावी लोगों की आवाज़ों से दूर रखेगी, और आपकी जो अंदर की आवाज़ है वो आपको दूसरी दुनिया में ले जाने का जरिया बनेगी। नंबर तीन, अगर आपने अमल करते हुए अपने अंदर ये बात रखी कि पता नहीं ये अमल मजबूत है कि नहीं, ये अमल ठीक है कि नहीं, तो कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे। रूहानियत को उजागर करने के लिए रूहानी और जो भी चिल्ला या रियासत आपको बताई जाए और जिक्र जिक्रात बताया जाए, उस पर मुकम्मल तवक्कल रखें। सबसे पहले तवक्कल रब मजबूत रखें, अल्लाह पर तवक्कल यकीन कामल, और अल्लाह से एक राबता कायम करने का सोच अपने अंदर रखें, तो जल्दी कामयाब होंगे, वरना आपकी रियासत और चिल्ला और अमलियात बेकार हैं। हर इंसान के अंदर रूहानियत होती है, रूहानियत मौजूद होती है, किसी में कम
किसी में ज्यादा होती है और किसी में इतनी ज्यादा होती है कि पहले रोज ही मुशाहदात नजर आने लग जाते हैं, लेकिन बाज लोगों की देरी होती है, इसलिए उनको तीन चीजों का मशवरा दिया जाता है ताकि आप इन तीन चीजों की मदद से रूहानियत को उजागर कर सकें। नंबर 5, ऐसे लोग जो असेबी मर्ज में मुब्तला हों, दोरों में यानी किसी पर जीरो का होना, मुसलत होना, सफली जिन्नात का मुसलत होना, ऐसी चीजें अगर हों तो वो इन अमलियात से परहेज करें और रूहानी कुव्वत वगैरह का भी अमल ना करें, क्योंकि अगर आप फिर अमल करते हो तो ये फिर खतरनाक साबित हो सकता है और खतरा अजीम हो सकता है। इस चीज का खास ख्याल रखें कि कोई भी मरीज यानी जिसके ऊपर जादू वगैरह यानी जिन्नात का असर साया पहले भी रह चुका हो ये अमल ना करें। आगे जिस तरह भी आपको तरीका बताया जाए वो आप लाजम इख्तियार करें। जो अमल जिस तरह बताया जाएगा, जैसे ही उसका तरीका बताया जाए, जो जिक्र बताया जाए, आप वही जिक्र इख्तियार करेंगे। इसलिए गलती की किसी किस्म की गुंजाइश ना करें। रूहानियत रूहानी आंख में अगर आपको कहा जाता है कि आप लेट कर, उठ कर, बैठ कर आप ये अमल कर सकते हो, चलते फिरते ये अमल कर सकते हो, तो उसमें आप इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हो, इसका आपको फायदा ही होगा। नंबर 7 में हम आपको ये बात वाजिया बता दें कि जब रूहानियत जाहिर होती है, सर में दर्द, शदीद दर्द शुरू हो जाता है और आंखें भारी हो जाती है और हथेली आंखें भारी हो जाती है, हथेलिए पांव सुन हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं और एक झटके से रूहानियत खो जाती है। और नंबर 8 में बिजली किसी चमक भी नजर आती है, ये रूहानियत की जो कामयाबी का हसूल है यानी कामयाबी होती है अगर ये चीजें जाहिर होती हैं। सर का भारी होना, आंखों का भारी होना, हाथों पांव की हथेलियों का भारी हो जाना और अपने अंदर बिजली सी की चमक को महसूस करना, रोशनी को महसूस करना, अल्लाह का नूर महसूस करना, ये रूहानियत में आपकी कामयाबी की दलील है। और अगर फिर भी कोई मसला आपको पेश आता है, कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में हमसे बात कर सकते हैं। इसी के साथ रूहानियत के नायाब शराइत और तरीकों को आपको बता दिया गया है। हर रूहानियत में आप जो रुई के फफोलों वाला तरीका है वो जरूर इख्तियार करें, उससे कामयाबी जल्दी होगी। और नंबर जैसा कि 3 या 2 में बताया गया है कि आप रूहानियत को उजागर करने के लिए कानों में रुई का इस्तेमाल जरूर करें और चिल्लों का कम से कम 3 चिल्ले लाजिम करें। इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। फिर भी कोई बात समझ नहीं आती कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। हमारा भरपूर कोशिश है कि मदरसे वाले आपका मुकम्मल साथ दें। अगर किसी वक्त किसी कमेंट्स का जवाब ना दिया जाए तो इस बात को आप समझ जाएं कि वो यहाँ पर नहीं है या फिर किसी वजह से जवाब नहीं दिया जा रहा। ठीक है, इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।